नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे, आप जो ये देख रहे हो ये असूस का लैपटॉप है और असूस के लैपटॉप में जो प्रॉब्लम है वो है हिंजेस का इशू। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हो, ये जो है इस तरह से ये हिंजेस यहाँ पे टूटा हुआ आपको दिख रहा है। मतलब अभी जब तक हम उसे खोलेंगे नहीं तब तक वो आपको समझ में अच्छे से आएगा नहीं वो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको और पास लेके जाता हूँ ताकि आपको वो समझ में आए, दिखे आपको अच्छे से। ठीक है, ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और अक्सर ये जो प्रॉब्लम है, ये जो हिंजेस का जो प्रॉब्लम होता है वो क्यों होता है वो आपको पहले समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट टाइम जो है आपको ऐसा प्रॉब्लम वापस से फेस ना हो। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि हम लैपटॉप को जो है वो एक ही साइड से हम क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं, मतलब ऐसे कुछ लोग करते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, जो बैलेंस होता है ये वाला हिंजेस और ये वाला हिंजेस, ये दोनों हिंजेस में बहुत ही बारीकी से यहाँ पे एक बैलेंस बनाया हुआ होता है। ठीक है, लेकिन जब हम एक साइड से ही इस फ्लैप को खोलते हैं तो ये जो बैलेंस है वो बैलेंस नहीं रहता और यहाँ पे वो टूटने के चांसेस, जो हिंजेस का जो बेस होता है वो टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और ऐसे समय पे आपका हिंजेस भी टूट सकता है, तो इसीलिए कभी भी जब भी हम इस फ्लैप को ओपन करें या क्लोज करें तो हमें बीच में, मतलब बीच में यहाँ से पकड़ के हमें यहाँ से क्लोज़ करना है और यहाँ से बीच में पकड़ के ही हमें इसे ओपन करना है, तभी ये आपका जो हिंजेस है वो अच्छी तरह से रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इस हिंजेस को रिपेयर करना है। तो देखिए, रिपेयर करने के लिए तो आपको जो लैपटॉप है वो तो आपको अभी पूरा खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हिंजेस है ऊपर की तरफ से, ये आप ऊपर ऐसे ही ऊपर के ऊपर से आप इसे रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अगर आपको परफेक्टली, मतलब ऐसा नहीं कि हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं होगा। प्रॉपरली आपको अगर काम करना है तो आपको लैपटॉप इसे खोलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हो मैंने फ़िलहाल तो सिर्फ बिजल निकाल के, जो ये बिजल होता है यहाँ पे एक स्क्रू और यहाँ पे जो एक स्क्रू होता है, बस वो निकाल के मैंने अभी फ़िलहाल तो ये ओपन कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हिंजेस है और यहाँ पे ये हिंजेस बेस है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो सॉकेट, यहाँ पे जो स्क्रू सॉकेट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे ये निकल चुके हैं, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे रखता हूँ ये तीनों, ठीक है, यहाँ पे ये निकल चुके हैं। तो अभी क्या करना है, हमें एक परफेक्ट ग्लू से इसे यहाँ पे लगा देना है बहुत ही केयरफुली, और ये बहुत ही, मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए और काफ़ी हार्ड होना चाहिए ताकि यहाँ से वापस से ये निकलना नहीं चाहिए। यहाँ पे इस काम के लिए आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, और टाइम लेके आपको ये काम परफेक्ट यहाँ पे बनाना है, तभी ये काम अच्छे से बनेगा और आपका ये हिंजेस है वो फिर से टूटेगा नहीं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ये तीनों जो स्क्रू बेस है यहाँ पे ये बैठे, इसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका जो मैं क्लीनिंग करूँगा, और क्लीनिंग करके वहाँ से जो एक ग्लू जो होता है, जो एडेसिव होता है, उस एडेसिव से मैं इसे, ग्लू से नहीं, सॉरी, एडेसिव, ठीक है, उस एडेसिव से मैं ये तीनों जो सॉकेट्स है, ये सॉकेट्स यहाँ पे फिक्स करूँगा। ठीक है, मैं फिक्स करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने अभी ये जो तीनों बेस जो है वो एडेसिव के साथ मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है मैंने। ठीक है, तो अब ये जो है, अभी मुझे कुछ देर, मतलब कम से कम एक घंटा मुझे ऐसे रखना पड़ेगा,
जब तक कि ये प्रॉपरली फिक्स ना हो जाए, क्योंकि ये जो एडहेसिव है इसे थोड़ा सा मतलब हार्ड होने में कम से कम एक घंटा तो लगेगा। ठीक है, तो एक घंटे के अंदर ये रेडी हो जाएगा और ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं एक घंटे बाद। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको फिक्स कर दिया है, और देखिए अभी ये ठीक है प्रॉपरली अभी ये मूव भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस अभी इसका जो बिजल लगा के इसे मुझे फिट कर देने के बाद लैपटॉप ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए हेडशॉट फिल्म्स। थैंक यू।